10:53 ऑफिशियली आया, इसको 2-3 दिन हो गया और अब मैं वीडियो बना रहा बिजी शेड्यूल था भाई, बट अभी सब सॉर्टेड है, अब फिर से कंसिस्टेंट होगा मैं। क्या मतलब एक हफ्ते में एक वीडियो बनाने को कंसिस्टेंट होना नहीं बोलते, बट एनीवेज 10:53 कैसा लगा अपना ओपिनियन देगा मैं। शायद ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि बहुत बात करने वाला है मैं, मेरे पे बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, तो ये फेक एक्साइटमेंट को मेंटेन करते हुए वीडियो स्टार्ट करता है मैं। मतलब यार 5 दिन बाद कौन ही एक्साइटेड होता है लमाओ, बट जो भी है इंट्रो देखो, लेट्स बिगिन। अच्छा एक चीज़ बता देता है मैं कि चैप्टर 10,000 के बाद ये चैप्टर 10:53 को मैंने डायरेक्टली रीड किया है बिना स्पॉइल हुए। हितो नो मी रिवील वाले चैप्टर में मैं ट्राई किया था बिना स्पॉइल हुए रीड करने का, बट डिस्कॉर्ड में एक लौंडा हक दिया था तो मैं स्पॉइल हो गया था, बट इसको एकदम नो नॉलेज के साथ रीड किया मैं और मज़ा आ गया। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बाउंटीज। 3 बिलियन बेरीज तीनों लूफी किड लॉ का है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन था बाय ओडा एंड गोरो से, लेकिन ये चैप्टर को देख के मैं समझ गया कि गोरो से भले ही मास्टरमाइंड टाइप के लोग लगते हैं बट एट द एंड ये सब गवार है। मैं इनका हरकत बताते तुमको, ठीक है। लूफी का निका फॉर्म लीक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, उसके लिए हम इनको ब्लेम नहीं करते, वो छोड़ो। बट मेरे को एक चीज़ बताओ कि क्यों लूफी किड लॉ का इक्वल बाउंटीज रखा है वर्ल्ड गवर्नमेंट ने, क्योंकि इनको लूफी को एज अ स्पेशल पर्सन नहीं दिखाना है, राइट? और दुनिया के सामने लूफी के एक्चुअल वर्थ को छुपाना है, इसलिए 3 मिलियन रखना इज वेरी स्मार्ट। लेकिन अगर लूफी के पावर को छुपाना है दुनिया से तो फिर उसको योंको क्यों बनाया है भाई, अक्कल नहीं है क्या? मतलब सेम बाउंटी होने के बाद भी अगर लूफी ही बस योंको बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो ज़्यादा स्पेशल है लॉकेट से। फिर मतलब क्या हुआ 3 बाउंटी रखने का, 3 बिलियन बाउंटी रखने का, मतलब क्या इनको भाई दिमाग नहीं है क्या, क्या है ये? इनकी जो फटी है भाई साहब, डी को और निका फ्रूट के लीक्ड फोटो को देख के एकदम वसूल। लास्ट चैप्टर और इस चैप्टर में इनके आंखों में जो खौफ दिखा है ना, मज़ेदार लगा देख के। ये चैप्टर मेरे को बहुत मस्त लगा, एकदम ही मस्त। लेकिन इस चैप्टर में इतने मूर्ख लोग दिखे ना, मैं थोड़ा ट्रिगर हो गया था पता है इसको रीड करते टाइम। गोरोसे की फुद्दू हरकत देख के मैं थोड़ा काम डाउन हुआ ही था कि इन्होंने मोमो के दादा को दिखा दिया। व्हाट द फक भाई, क्या ये क्या रिवील कर रहे हो? मतलब ये दादा जो है ना, मेरे को बहुत गंदा लगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब टिपिकल आलसी बहरूपिया दल्ला दादा है ये। उधर मोमो इतना नालायक होके भी ऊपर अपना कुछ कुछ हरकत कर रहा था ताकि वो वानों को बचा सके, और ये एक्सपीरियंस्ड कोजुकी इधर तोको के साथ लैंटर्न जला रहा है। इसको कुछ होश नहीं है भाई, कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना करना है, कौन करता है कंट्रीब्यूशन? हमको तो भाई दुआ करना है बस भाई, कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता। आशुरो ईजो जैसे वॉर में बीच में कूद के मर के ये सब रिवील होता ना, इसका ये भी जो भी है ये दादा है निकला है ऐसा वैसा दुनिया भर का, मैं तब थोड़ा इज्जत करता इसका। मैंने सोचा नहीं था कि मोमो के अलावा भी किसी कोजुकी को मैं इतना हेट करेगा। पता नहीं कौन से हितेत्सु का नाम यूज़ करके बैठ गया है वानों में ये, रियल हितेत्सु ही आई गेस एनमा को छोटा किया होगा और उसके एंसेस्टर्स ने कितेत्सु बनाया होगा, और ये दल्ला उनका क्रेडिट खा रहा है अभी तक, और वो भी फ्री में, एंड आने वाले टाइम पे भी खाएगा ही लमाओ। मेरे को इसका रिवील को देख के ना वो लूफी और तामा वाला मोमेंट याद आ गया, पता है लूफी चावल खा गया था ना ओतामा का, याद है? तब याद है कि इसी ने ज्ञान दिया था, ओडेसिटी ऑफ दिस बिच आफ्टर गेटिंग ट्रिक्ड बाय लेम ओरोची। इसने ज़िंदगी में सिर्फ एक अच्छा काम किया है, ओडेन, बस। एंड मुझे ये थॉट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि रॉबिन के अलावा पूरी दुनिया में पोलिंग्लिफ की भाषा जानने वाला ये दल्ला है। रियोकोक्यो को आके रॉबिन के बदले इसको ले जाना चाहिए। कौन सा स्काइपिया का बन के घूम रहा था भाई अभी तक? मेरे को सही में लगता था पता है कि इसके विंग्स रियल है। व्हाट द फक भाई, पूरा भाई मूड सनका दिया, चाटे मारो इसको सब मिलके। रियोकोक्यो का भाई मैंने ये नाम रट ही लिया है, रियोकोक्यो, रियोकोक्यो का नाम ले ही लिया हूँ, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बतिया लेते हैं। एंड आई कैन डेफिनेटली से कि रियोकोक्यो का अभी तक चेहरा नहीं देखना वर्थ था भाई, मतलब बैडस लग रहा भाई ये बंदा, बहुत भाई क्वीन किंग को चीटी समझता है लेजिट। रियोकोक्यो के एटीट्यूड को देख के क्लियरली पता चल रहा कि वो कमांडर से बहुत ऊपर लेवल का है। ये चीज़ देख के उनको बड़ा दुख हुआ होगा जो जोरो सांची को अभी से एडमिरल लेवल बोलते हैं। अब फालतू बात कमेंट मत करना कि किंग क्वीन वीक हो गए थे करके रियोकोक्यो उसे पीट गए, वीक नहीं होते तो हरा देते क्या, बताना ज़रा। देख के लग रहा है इस बंदे को कि ये हारता उनसे।
और रियोकुग्यू क्या हरामी बंदा है भाई, मतलब अपने रूट से वो दारू पी के टेस्ट किया है, ठीक है, मतलब वो एक्चुअली में खा पी सकता है, बस वो अपने मुंह से नहीं खाता। तो इसमें किस बात का घमंड है भाई, 3 साल से खाया नहीं हूँ बोल के नीचे रूट से दारू खींचने को नहीं खाना नहीं बोलते बाबू। ओवरऑल रियोकुग्यू मेरे को बड़ा बैड एस कूल एडमिरल लगा। वैसे एक चीज़ ध्यान दिए, रियोकुग्यू का लेफ्ट आई नहीं दिखा अपने को, जोरो का डैडी और वॉट। इसका डेल्फूट बहुत क्यूल लगा मेरे को, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट वाला लग तो रहा है, बट क्या ये एक्चुअली में फॉरेस्ट गॉड वाला फ्रूट है, पता नहीं। मेरे हिसाब से इसको एक स्पेशल पैरामीसर टाइप कुछ होना चाहिए। वेल मिथिकल जोन वाले हरकतें तो किया है इसने, हर मिथिकल जोन यूज़र जैसे इस पे भी शायद पेड़ पौधा उगाने का स्पेशल एबिलिटी है। अरे वानों का पूरा माहौल मस्त बना दिया भाई इसने, बंजर ज़मीन में पेड़ उगा दिया इसने भाई, रियल वर्ल्ड को चाहिए इसकी ज़रूरत है। चारी के स्टेट भेजो भाई इसको। अरे बाकी नाम है रियोकुग्यू का, नाइस। बट एक चीज़ जो मेरे को इसका अच्छा लगा भी एट द सेम टाइम बहुत अजीब भी लगा, इसका फैशन सेंस। ऊपर से देखो तो भाई मस्त है, टैटू वैटू है, पता नहीं क्या लिखा है, बट है कुछ है टैटू, दुनिया भर का बॉडी है, लेकिन नीचे काले पैंट विथ फूल ऑन इट। भाई फूल वाले पैंट कौन पहनता है? रियोकुग्यू को मैंने जैसे सोचा था कि शायद ये लूफी को फूजी तरह जैसे अच्छे से ट्रीट करेगा, घंटा अकाइनू को खुश करने के लिए लूफी के सर के सपने देख रहा लमाओ। अभी वैसे सारे स्ट्रॉ हैट मिलके इससे लड़े तो शायद सावधी 2.0 नहीं होगा, क्योंकि वो लोग 7 दिन का ब्रेक हो गया तो हील हो चुके हैं पूरा, बट उसके लिए लूफी को वापस से अपना अवेकनिंग यूज़ करना पड़ेगा। एंड क्या वो फिर से अपने विल पे सेम चीज़ कर पाएगा, मतलब खुद की मर्जी से कर पाएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। अगर इनके बीच लड़ाई होता है तो फिर उसको ओनिगाश्मा वॉर से ज़्यादा एक्साइटिंग होना चाहिए, तब मज़ा आएगा। इसके अलावा क्या हुआ है, हाँ बग्गी ओंको बन गया है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेगा, बग्गी के पावर लेवल और दुनिया भर के चीज़ों को कवर करेगा मैं उसमें उस वीडियो में। रॉबिन माय डार्लिंग, एज एक्सपेक्टेड पोनेग्लिफ पढ़ती हुई दिखी है, लेकिन रॉबिन जो पोनेग्लिफ पढ़ रही है वो थर्ड रोड पोनेग्लिफ है, तो क्या रॉबिन ने उन पोनेग्लिफ्स को पढ़ लिया है जिसको लॉ ने खोज निकाला था वानवा के स्टार्टिंग में? क्या पता, मे बी। वैसे प्लूटोन इज इन वानू अभी भी, और ये चीज़ अलाबास्ता वाले पोनेग्लिफ में भी लिखा था, फॉर शेडोइंग बाजी। प्लूटोन पे भी मेरे को अभी बात नहीं करना, अगला वीडियो बगी पे होगा और उसका अगला प्लूटोन पे, व्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो ठीक है। और एक चीज़ बताओ, मैं ही बस ठहर गया कि तुमको भी इस पिक्चर में 69 दिख रहा है? वैसे ये वो एनेरू वाला साइन जैसा नहीं दिख रहा, एनेरू सम वॉट कनेक्टेड टू 69 और वॉट एंड मून कनेक्शन विथ वन और वॉट। वैसे अच्छा लगा सबको मस्ती करते हुए देख के। एक पैनल जो मेरे को बहुत ब्यूटीफुल लगा, किनेमोन और उसकी वाइफ वाला, किनेमोन को देख के आजकल चेड़ मस्त था बट ये पैनल अच्छा था। और ध्यान दिया कि तामा भी एप्पल ही खा रही है, एप्पल वाला कैंडी है शायद जो भी है, बट लूफी ने अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, तामा को एप्पल मिल गया फिर से खाने के लिए। वैसे एक चीज़ सोचो, तामा जो कि एकदम छोटी बालक है वो तक गई वॉर में हेल्प करने और मोमो का दादा नहीं किया, सच अ लेम कोजुकी भाई। इसको सही में बताया चाटे मारो सब मिलके, पता है मोमो के लक्षण अपने बाप से नहीं दादा से आए, बता रहा मैं। ओवरऑल चैप्टर वॉज वेरी मस्त, मेरा स्पॉयलर नहीं रीड करने का डिसीजन बहुत सही लगा मेरे को। एक महीना ओडा का छुट्टी है और एक महीना अब मेरे को भी चैप्टर पे वीडियो नहीं बनाना पड़ेगा, मस्त। मागा के टॉपिक्स पे बनाएगा मैं वीडियो, लेकिन पूरा चैप्टर को कवर नहीं करना पड़ेगा, मस्त भाई, दिल खुश हो गया। वैसे मेरे प्लान्स हैं डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ के लिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा कॉन्टेंट कम हो गया है या कॉन्टेंट की कमी है मेरे पे, नहीं नहीं मेरे पे है प्लान्स, इसलिए मैं तो खुश है भाई ओडा के इस ब्रेक से। बिग मॉम पायरेट्स का कुछ सीन हुआ है सीपी के साथ, मॉर्गन सीचा ने बोला है, और वर्ल्ड गवर्नमेंट अब इस धूर CP0 की गुद्दी तोड़ेगी जिसने लूफी का निका फोटो लीक कर दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि गलती से किया है कि जानबूझ के। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली, क्वेश्चंस भाई बहुत सारे हैं। मज़ा आएगा जुलाई के लास्ट वीक में जब वापस आएगा मांगा, कंटिन्यू होगा वापस से वानवार, जैसा सबने बोला था कि ख़त्म नहीं होगा इस चैप्टर के बाद, एंड यही हो रहा है, नहीं हुआ है भाई वानो अभी तक ख़त्म, बढ़िया। एंड दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, एंड एक्चुअली मैं एक चीज़ बता दे रहा कि मैं और कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रहे करने वाला है, ठीक है, करेगा मैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, तो बाय बाय।